पूर्वी सिंहभूम जिले में जर्जर बिजली की तार से हो रही दुर्घटनाओं और बिजली चोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 386 करोड़ रुपए की योजना धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्य अगस्त माह से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी विद्युत महाप्रबंधक के वर्मा ने हमें दी। बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विद्युत महाप्रबंधक ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार के द्वारा दो बड़ी योजनाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए आवंटित की गई है। दोनों योजनाओं का कार्य वोल्टास और ITDS के द्वारा किया जाना है। जिले में बिजली चोरी की घटना को रोकने के लिए 166 करोड़ रुपए की योजना जुलाई माह से शुरू होने वाली है। इस योजना के पूरे होते ही जिले से बिजली चोरी की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में 40% बिजली की चोरी की जा रही है। काम में जुलाई महीना हम लोगों का आशा से भरा हुआ है। जुलाई महीना में हमारा ITDS रुपए 166 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें मुख्यतः हमारे पुराने जर्जर तार को नए तार से बदलने का है। उपभोक्ता के घर के अंदर का मीटर सही बिजली खपत, बिजली चोरी रोकने के लिए घर से बाहर ला करके लगाने का है, जिसमें तकरीबन हम 25,000 मीटर जो है उपभोक्ता के घर के अंदर से बाहर ले आएंगे। लगभग 500 की संख्या में हम नए ट्रांसफार्मर बैठाएंगे। जर्जर LT तार को बदल करके हम एरियल बंच केबल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आम जन की सुरक्षा हो, बिजली की चोरी नहीं हो। वहीं दूसरी योजना वोल्टास कंपनी के द्वारा अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए 220 करोड़ की लागत से की जा रही है। इस योजना के बाद बिजली की जर्जर व्यवस्था से हो रही दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। बालीगुमा पावर सबस्टेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में इसका उद्घाटन कर मानगोवासियों को बिजली की समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। इस सर्विस स्टेशन के चालू होते ही मानगो क्षेत्र में 45 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी, जिससे वहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। अंडरग्राउंड का वायरिंग भी हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो शहर के अंदर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी हम प्रथम चरण में तय करेंगे। इसके लिए मेसर्स वोल्टास का चयन हो चुका है, जिसका मुख्यालय रांची में है। जमशेदपुर शहर की कई एक मूलभूत आधार संरचनाएं मेसर्स वोल्टास के द्वारा रखी गई है, और हम अपने को सफल मानेंगे जब हमारा वोल्टास को आवंटित किया हुआ कार्य अगस्त माह से 15 अगस्त के आसपास यहां प्रारंभ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई का प्रथम सप्ताह बालीगुमा ग्रिड के लिए हमारा मील का पत्थर साबित होगा। हम मानगो को अबाधित 40 मेगावाट से 42 मेगावाट विद्युत आपूर्ति देने में सफल हो जाएंगे। पिछले दिनों कदमा फुटपाथ दुकानदारों को जिसको द्वारा दिए गए फरमान पर जिले के उपायुक्त ने उन्हें राहत देने का कार्य किया है। जिले के उपायुक्त ने इन दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों कदमा बाजार के दुकानदारों को जिसको प्रबंधन की तरफ से तुगलकी फरमान जारी किया गया था और एक सप्ताह के भीतर दुकानों को हटा लेने को कहा गया था। वैसे आपको बता दें कि इन दुकानदारों के समक्ष इस फरमान के बाद भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि उनका पूरा परिवार इन्हीं दुकानों पर निर्भर था। इसको लेकर इनके द्वारा पिछले दिनों जिसको कार्यालय का घेराव भी किया गया था। दोबारा बुधवार को इनके द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया, पर जिले के उपायुक्त ने इन्हें राहत देने का कार्य किया है। उपायुक्त ने इन सभी को आश्वासन दिया है कि सभी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। जिसको के कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन वहाँ पे जो है न्यायपूर्ण वार्ता नहीं होने के कारण आज जिला के उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलने आए हैं, और जिला के उपायुक्त के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडलों का बड़ा सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वहाँ विकास संबंधी जो भी कार्य हो रहा है कार्य होने दीजिए। आप जो है फुटपाथ दुकानदार जो है आपका जीविका अर्जन का जो माध्यम है वो छोटा मोटा है, इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, ये स्पष्ट उनका आश्वासन था। जमशेदपुर के मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति की तरफ से अब हर रविवार को अक्षय क्षेत्र में आने वाले किसी न किसी एक बस्ती में विशेष कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में संबंधित बस्ती के निवासी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन, मतदाता सूची और ऐसे ही अन्य नागरिक कार्यों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस तरह का पहला विशेष कैंप मानगो के नूर कॉलोनी जाकिर नगर में इसी रविवार यानी 2 जुलाई को लगाई जाएगी। इस कैंप में पेंशन के पात्र लाभुक कैंप में ही पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसी तरह मतदाता सूची, प्रधानमंत्री आवास एवं ऐसे ही अन्य विषयों से जुड़े मुद्दों को नागरिक कैंप में रखे जा सकेंगे। लोगों को उक्त कैंप में संबंधित विषयों की न केवल जानकारी दी जाएगी बल्कि विभिन्न प्रकार के आवेदन प्रपत्र आदि भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन स्वीकार भी किए जाएंगे। इसके अलावा जन सुविधाओं से जुड़ी लिखित शिकायतों व सुझावों को भी स्वीकार किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहली बार इस क्षेत्र के लिए अक्षय विभाग से इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है जिससे सरकारी लाभ सीधे लोगों तक पहुंच पाएगी। ये गुड गवर्नेंस का ही एक तरीका है, यह कह सकते हैं कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या लोगों का फीडबैक लेने के लिए कि दरअसल उनको क्या उनकी मेन कमियां हैं या वो कहां हमसे हम लैग कर रहे हैं कि कहां हम उनसे दूरी हमारी बनी हुई है। हर सप्ताह एक किसी स्लम इलाके में कह सकते हैं प्रशासन आपके द्वार टाइप का एक ये प्रयास किया है और इसमें किसी संडे को मैंने तय कर लिया कि मैं छुट्टी नहीं लूंगा और अपने जो हमारे डेडिकेटेड स्टाफ है उस पर से बहुत सारे लोग तैयार हो गए कि हम भी छुट्टी नहीं लेंगे। तो अपने जो स्टाफ है और अपना जो टीम है उनको लेकर के हम किसी एक विशेष बस्ती में पहुंचेंगे और इसकी शुरुआत हमने जाकिर नगर नूरनगर जो मालगुम बस्ती है सिलम इलाका है वहां से शुरू की है और जुलाई में हमने जिन पांच कॉलोनियों में जिन पांच बस्तियों में लगाना है उनकी सूचना एक रोस्टर के रूप में हमने प्रकाशित कर दी है। हर महीने महीने के पहले दिन हम रोस्टर निकाल लेंगे कि इस महीने में किन किन बस्तियों में कहां कहां शिविर लगेंगे। जमशेदपुर एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में सब्जियां दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से ही आती है, लेकिन सब्जियां कैसे आ रही है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेन के बाथरूम में हरी सब्जियों को रखा जाता है और जिसके बाद वही सब्जी जमशेदपुर शहर पहुंच रही है और इस सब्जी की सप्लाई पूरे शहर सहित पूरे कोल्हान में की जा रही है। देखिए एमजी विशेष संतोष कुमार के साथ। सब्जी जो मनुष्य के लिए काफी अहम है और सब्जी की कीमत बाजारों में आसमान छू रही है। 40 से 50 रुपए किलो सब्जी बाजारों में बिक रही है। वही सब्जी जो ट्रेन के बाथरूम में रख कर लाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि लोग अपने पेट के खातिर दूसरों की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि लोग अपने खातिर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि खाने पीने की वस्तु साफ सुथरी होनी चाहिए और जिस जगह पर ये वस्तु रखी जाए वो भी साफ हो। लेकिन जिस ट्रेन से सब्जी को लाया जा रहा है उस ट्रेन का नाम है बिरसा मुंडा एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल से चलकर टाटा पहुंच रही है और ये सब्जी पूरे शहर में सप्लाई होती है। हालांकि रेल पुलिस इस नजारे को बखूबी देखती है और इन सब्जी विक्रेताओं से मोटी रकम भी वसूलती है। एक तरफ रेल की राजस्व की चोरी हो रही है तो दूसरी तरफ ये सब्जी विक्रेता लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन देखेगा इन सब्जी विक्रेताओं को और कौन इनको रोकेगा। लोगों की जिंदगी से खेलने का ये खेल कब तक चलते रहेगा। दलमा वन श्रेणी में हाथियों की संख्या कम होती जा रही है। इस बार की गणना में पिछले बार के मुकाबले हाथी काफी कम मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब वन विभाग चिंतित भी नजर आ रही है। पिछली बार दलमा में गणना के वक्त 156 हाथियों के होने का संकेत मिला था, पर इस बार गणना में 96 ही हाथियों के संकेत मिले हैं जो अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वैसे हाथी झुंड में चलते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, पर हाथियों की घटती संख्या अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस संबंध में आरएफओ आरके सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की। इस साल हाथी गणना में जो वाटर होल सेंसस हुआ उसमें 96 हाथी का रिपोर्ट आया 96 हाथी, और 2012 में सेंसस हुआ था उसमें 156 हाथी था। 2012 से 2013 14 15 16 तो 4 साल सेंसस नहीं हुआ। कुछ कारण रहा हुआ आवंटन वगैरह नहीं मिला जिसके चलते नहीं हुआ। 4 साल के बाद में 5वां साल हुआ, अभी 96 हाथी का रिपोर्ट मिला है। का एक माइग्रेटरी रूट होता है, ये कहीं एक जगह स्टेबल रहने वाला जानवर नहीं है। दलमा में 12 महीना हाथी नहीं रहता, ये माइग्रेट होता है और माइग्रेशन रूट माइग्रेटरी रूट उसका देखते होंगे कि जो दलमा से सटा हुआ एरिया है पटमदा हो गया
या घटसिया होते हुए वो बंगाल तक जाता है। तो यहाँ पर जैसे बंगाल में जब क्रॉप सीजन होगा धान वगैरह का, अभी गर्मा धान वगैरह है, तो गर्मा धान में के समय या पहले धान के समय में माइग्रेट करते हैं बंगाल तरफ, और वहाँ धान जब खत्म होता है या कोई क्रॉप वगैरह खत्म होता है तो फिर आते हैं झारखंड तक। आदितपुर पुलिस ने आगाईटी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट कॉलोनी से धर्मेंद्र कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। आदितपुर रिलायंस फ्रेश से बीते 9 जून को हुए चोरी की इस घटना में उक्त युवक की गिरफ्तारी की गई है। आदितपुर पुलिस ने बीती रात आरआईजी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट कॉलोनी से धर्मेंद्र कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें आदितपुर रिलायंस फ्रेश से विगत 9 जून को खरीदारी कर रही एक महिला से इस युवक ने चिंता की थी। महिला के पर्स में कुछ नगद पैसे और सोने की अंगूठियां थी। युवक की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से सोने की अंगूठियां तो मिल गई है पर नगद पैसे गायब मिले। आज SDPO अविनाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना में संलिप्त युवक की जानकारी दी और कहा CCTV फुटेज के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। आदित्यपुर कांड संख्या थाना कांड संख्या 149/17 का है। इसमें एक अमित कुमार चाचरा करके एक व्यक्ति है जो आदित्यपुर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी रिलायंस में मार्केटिंग करने गई थी। उसने वहाँ पे अज्ञात चोर ने इनका पर्स चुरा लिया था। हम लोगों ने CCTV फुटेज को खंगाला। CCTV फुटेज खंगालने के दौरान वहाँ पे इस व्यक्ति का फोटो आया चोर का, और उसके साथ साथ में जब वो बाइक जो यूज किया था वो बाइक लेकर निकलते समय उसके नीचे का नंबर आ गया था। उसके आधार से हमारी टीम ने, जिसका नेतृत्व विजय कुमार सिंह कर रहे थे थाना प्रभारी, वो व्यक्ति तक पहुँचे। वहाँ उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने 2 सोने की अंगूठी रिकवर की। हालांकि कंप्लेनेंट ने एक ही सोने की अंगूठी की बात जिक्र की थी FIR में, और ये हाइको कंपनी में काम करता है इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो कि एक्यूज है इसका। वहाँ पे इसके जो मिला हुआ ऐसे रखने के लिए क्या बोलते हैं उसे लॉकर से रिकवर किया 2 अंगूठी तथा वो बैग जो अभी पीछे में झाड़ी में फेंका था वो झाड़ी से बैग में रिकवर कर लिया। बलरामपुर के रहने वाली द्रौपदी टुडू ने पारिवारिक विवाद में आज जहर खा लिया। आनन फानन में उसे परिवार वालों ने MGM अस्पताल लाया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे JMH रेफर कर दिया गया। बलरामपुर की रहने वाली 45 वर्षीय द्रौपदी टुडू ने पारिवारिक विवाद में घर में जहर खा लिया। आनन फानन में उसे उसके परिजनों ने MGM अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी स्थिति की नजाकत को देखते हुए उसे TMH रेफर कर दिया गया। जमशेदपुर में एक बुजुर्ग महिला को उसी के देवर ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि घर बुजुर्ग महिला का ही है। घटना टेलको थाना अंतर्गत खड़ंगझार क्षेत्र का है, और ताजुब की बात यह है कि उसे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी न्याय नहीं मिल रही है। ये बुजुर्ग महिला मती सूर देवी है और ये अपने खड़ंगझार स्थित आवास पर रहती है। इसके पति का देहांत कई वर्षों पूर्व हो गया था और इनकी 2 बेटियां हैं। किसी तरह से इस बुजुर्ग महिला अपने घर पर पशुपालन कर परिवार का भरण पोषण किया करती थी और अपने दोनों बेटियों की शादी भी करवाई थी। अब पिछले दिनों उनके देवर और उनके पुत्र द्वारा इनकी जमकर पिटाई की गई और उन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। ये बेबस महिला अपनी बेटियों के साथ अब प्रशासन के द्वार पर भटक रही है और इनके सुनने वाला कोई नहीं है। ये बेबस महिला हाथ जोड़कर अपने लिए न्याय की गुहार लगाते दिख रही है। हाथ नीचे कीजिए। वही मेरा तुम लोग पसी के लिए वो छीनने के लिए इनका पिताजी मार गया। ये दोनों कुंवारी थे, नहीं आ रहा है जीवन चला एक लोग के शादी। तब से जब से इनका पिताजी मर गए तब से मेरा पीछे पीछे कौन लोग वो है मेरा देवर है कमाल से आया पर बाबू आज मैं हमारा घर में ऐसे आ रहा। तो अभी क्या किया आपको आपका देवर मार के घर से भगा? हमारा घर तूर के अपना छोटा भाई के घर बना हुआ था 3 दिन से। खाना पर खाना कहाँ SP PSP कहाँ गए लोग कुछ ना। क्या बोलता है मार के भगा देगा तो बोलता क्या बोलता है तू लोग का कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर इनकी बेटियों के अनुसार जब उन्होंने अपनी मां को लेकर वापस घर पर गई तो उनके साथ भी उसके चाचा ने मारपीट की और उन्हें भी घर से बाहर कर दिया।
रिश्तों के अनुसार जब उन्होंने अपनी मां को लेकर वापस घर पर गई तो उनके साथ भी उसके चाचा ने मारपीट की और उन्हें भी घर से बाहर कर दिया और मार डालने की धमकी भी दे डाली। यही नहीं, उक्त व्यक्ति और उसके पुत्र द्वारा बुजुर्ग महिला की झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया है। ये अपनी मां को लेकर प्रशासन के पास न्याय की गुहार लगाते दिख रही है। इनके द्वारा स्थानीय थाने में भी इसकी शिकायत की गई है, परंतु उनके पास भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। मां का घर है खरंगाझर बस्ती में, उसको मेरे चाचा और उनका दामाद चाचा विश्वनाथ पांडे, दामाद सोनू पांडे, ये लोग हड़पने के लिए 23 जुलाई पिछले साल 23 जुलाई हम लोग के घर में घुस के हम लोग मारपीट किए, माँ को और मेरे को दोनों को मारे, मेरे को हम अपने घर हट गए। ये जब रहने लगे अकेले तो इसको धमकी देने लगे तो अगर तेरी बेटी या दामाद यहाँ फिर वापस आ गया तो उन लोग के जान मरवा देंगे। ये कंप्लेन हम लोग लिखित रूप से SP को भी दिए हैं और वहाँ का थाना में थाना रिसीविंग नहीं दे रहा है हम लोग का। और जब ये एक ठो हम लोग को लिखित रूप से कुछ भी नहीं मिल रहा है थाना की तरफ से। जब आज कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग आए हैं DC से मिलने के लिए और SP से मिलने के लिए। ये मदद चाहते हैं जो मेरी माँ को उनका घर मिले, जाके वहाँ रहे। जमशेदपुर के इमजीएम थाना अंतर्गत चंद्रावती नगर दलमा बेस कॉलोनी की युवती से इमजीएम अस्पताल कर्मी आकाश कुमार ने 4 वर्षों तक प्रेम किया। इस दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाया, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई। बताया जाता है कि जब युवती ने 7 जून को करंड स्थित सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया तो वहाँ भी पिता का नाम लिखा गया था, लेकिन बच्चा होने के बाद आकाश ने युवती को ठुकरा दिया और बच्चे को साथ लेकर चलते बना। युवती ने जब आकाश और उसके घर वालों से शादी की बात की तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिसके बाद इमजीएम थाने में प्रेमी आकाश के खिलाफ युवती ने शिकायत की। लेकिन इस बीच भाजपा नेत्री प्रीति सिन्हा के मध्यस्थता से मामले की जानकारी इमजीएम थाने को दी गई और जिसके बाद दोनों की शादी भी करा दी गई। और बोले थे कि हम इसका शादी कराने के लिए ले जा रहे हैं कि हमको सिपाही दीजिए साथ में। कहे कि नहीं, यहाँ FIR होता है, यहाँ समझौता नहीं होता और शादी नहीं होता है। उस पर लड़की को और लड़का को ले गए, वो लोग करीब 25-30 आदमी से थे और शीतला मंदिर ले जाकर उसका शादी कराया। ये भी बाद में पता चला कि उसके घर में भी करवा तो वो साथ में है सब। बाप भी उसका MGM कॉलेज में नौकरी करता है, लड़का का बाप, तो साथ में सब कोई बनी। प्रीति सिन्हा के द्वारा बताया गया कि करीब 4 साल से कि लड़की जो है उस लड़के के साथ इंटेक्टिल है और जो है सो इसके पूर्व में भी दो बच्चा हो चुका था। जो जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरलुंग पंचायत इलाके को नगर पालिका के अंतर्गत लाए जाने का विरोध ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति ने उठाया है। इसको लेकर इन्होंने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जमशेदपुर जिले के लिए नगर पालिका का प्रस्ताव दिया गया है और इसके अंतर्गत ग्रामीण और पंचायत इलाकों को भी शामिल किया जाना है। इसके अंतर्गत आने वाले हुरलुंग पंचायत इलाके के लोगों के द्वारा इसका विरोध जताया गया। इनके अनुसार इनके क्षेत्र में पंचायती राज ही बेहतर है और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, इस कारण से वे नगर पालिका का विरोध जताते हैं। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मांगे रखी गई कि इस मामले में वे खुद संज्ञान लेकर इस क्षेत्र को नगर निगम से बाहर रखे। ग्राम पंचायत संघर्ष समिति हुरलुंग से आए हैं, हुरलुंग पंचायत से, और हम लोग जो है नगर निगम का जो प्रस्ताव है उसमें कुछ गांवों को भी शामिल किया जा रहा है जिसमें हमारा हुरलुंग पंचायत भी है। तो हमारा डिमांड है, DC साहब से हम लोग मिलने आए हैं कि हुरलुंग पंचायत के चारों गांव रेवन्यू विलेज जो हुरलुंग मनपिटा लुतंडिया लुकुंडी है इसको शामिल किया जा रहा है नगर निगम में। ये प्रस्ताव वापस ले, हमारा गांव हमारा राज का व्यवस्था रहेगा, वहां पर पंचायत राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम लोग खुश हैं। अपने गांव को हम लोग नगर निगम में शामिल करना नहीं चाहते हैं। यही डिमांड के साथ हम लोग DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारा व्यवस्था को हमको रहने दीजिए, हम लोग जो है ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं, हमें नगर निगम में नहीं शामिल किया जाए। जमशेदपुर में राज्य सरकार के द्वारा बिजली बिल में की गई वृद्धि के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा गया। झारखंड सरकार के द्वारा बिजली में 25% की बढ़ोतरी की गई है, इसे लेकर बिष्टुपुर विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में पार्टी के कई केंद्रीय नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष
रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से आम जनता को काफी परेशानी होगी, जिसे देखते हुए हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बिजली दर की 25% बढ़ोतरी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंह जिला समिति की ओर से हम लोग यहाँ के विद्युत विभाग महाप्रबंधक को एक मेमोरेंडम देने आए हैं और इसमें हम लोग मांग किए हैं कि अविलंब जो बिजली दर का वृद्धि किया गया है उसको वापस ले, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे भी एक मुद्दा बना करके सड़क सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र में 17 जून को एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में दिन दहाड़े लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अब तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में सैकड़ों कर्मचारी एसएसपी कार्यालय आज पहुंचे। सभी ने एसएसपी कार्यालय के पास जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उन लोगों ने कहा कि चोरी के 10 दिन हो चुके हैं और पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कंपनी में दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी के साथ साथ कीमती कागजातों की भी चोरी हुई है। वहीं इस चोरी से पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है, जिसको लेकर हम लोगों ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपे हैं और उस इलाके में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी की है। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जमशेदपुर के पदाधिकारी गण है और विगत दिनों हमारे संस्था के सदस्य शिवा ट्रांसपोर्ट कंपनी में 17 जून को 7 लाख रुपए चोरी की घटना घटित हो गई और उसके संदर्भ में हम लोगों ने गोलमुरी थाना में FIR दर्ज करवाया था, लेकिन आज 10 दिन बीत गए हैं उसके बाद भी आज तक ये हम लोगों को जानकारी नहीं हुआ किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। और हम लोगों ने गोलमुरी थाना में इसके बारे में कई बार बात भी की, लेकिन उनका कोई समुचित जवाब नहीं आया है। इसीलिए आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए हैं और यह मांग करेंगे कि जो लोगों ने इस घटना में संलिप्त हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।